तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपनी गायों का सुबह का चारा खाना हो गया है और लाइट अभी दिन को आती है सुबह में 7 बजे, 4 बजे शाम को चली जाएगी। तो अपने सभी गायों का हो गया है चारा खाना ख़त्म, पूरा खा लिया है। अब इनके लिए चारा शाम के लिए सूखा या फिर हरा लाइट के हिसाब से काटेंगे या फिर नहीं भी काटेंगे। और मुझे एक भाई की कमेंट आई थी कि भाई अपने फार्म पे जो बच्चे होते हैं गाय के, उनके होता क्या है, मतलब तो उनको बड़ा करते हो या छोटे रहते तब बेच देते हो? तो जो अपने फार्म पे जो भी बच्चा होता है गाय का छोटा, वो हम तो किसी बच्चे को बेचते नहीं, और फिर वो बच्ची हो या बच्चा दोनों को रखते हैं। अभी ये विक्रम है, अभी ये बड़ा होगा तब बैल बन जाएगा, तब हम इसको बेचेंगे, अभी तो नहीं बेचना। और ऐसे हम बेचते भी नहीं है छोटे बच्चों को। अगर गाय है मतलब बच्ची है तो उसको गाय बनाएंगे, फिर गाय का एक दो ब्याद का दूध हम खुद निकालेंगे, उसके हिसाब से हम गाय बेचते हैं। तो बैल का भी वैसे ही। तो बैल अपने फार्म पे आज के टाइम पे 7 बैल हो गए हैं। पिछले साल हमारे पास 3 थे, उसके अगले साल 2 थे, और इस साल 2 है। तो अपने पास अभी 7 बड़े बैल है, हो जाएंगे इस साल 2 होने के बाद। तो उसमें से हम 5 बैल बेचने वाले इस साल, लेकिन अच्छा प्राइस और अच्छा लेने वाला मिला तो देंगे किसान, नहीं तो नहीं देते। ऐसे तो हमें मिल जाते हैं, जो खेत वाले किसान होते हैं उनके लिए बैल चाहिए खेत के लिए, तो हमसे ले जाते हैं बैल। तो बच्चों को तो हम नहीं बेचते। वो भाई ने पूछा था कि भाई होता क्या है, बच्चे बेचते हो या फिर नहीं? तो हम बच्चे और बच्ची किसी को देते नहीं है बड़े होने के बाद ही। तो बच्ची भी हम देते नहीं है, वो गाय बनने के बाद ही देते हैं। तो इस साइड में इन तीनों का चारा अभी तक पड़ा हुआ है। ये देखो इतना सारा पूरा हरा चारा पड़ा है और पेट खा लिए लेकिन खा नहीं रहे, खा लेंगे शाम तक। अपनी गुड़िया भी आराम से घूम रही है। तो अभी अपने को जाना है रोटावेटर करने। चाचा जी चने की बुआई जिस खेत में की थी वहाँ पे जा रहे हैं वो पानी भरने के लिए। वहाँ पे भी काम है, मतलब पानी नहीं भरना है लेकिन पानी भरने के लिए सुविधा बनाने के लिए जा रहे हैं। ये रहे सामने कपिला, ये रही सामने, ये तीनों आराम कर रहे हैं। सभी ट्रैक्टर को रोटावेटर जोड़ लेते और अपने काम के लिए निकलते हैं। चाचा जी जो कांटे वाले पेड़ है बांध पे, ये देखो ये वाले, तो रोटावेटर से वो उनको पीछे करके दबा रहे हैं जिससे वो अपने को रास्ते में दिक्कत ना आए। हम इस बांध से आते जाते रहते हैं तो ये कांटे हमें लगते हैं। तो चाचा जी ट्रैक्टर से रोटावेटर से उनको पीछे ढकेल के दबा रहे हैं, रोटावेटर रख के, भाई वो रास्ते में ना आए। और इस वाले खेत में कल चने की बुआई हो गई है, उसी खेत में चाचा जी ट्रैक्टर चला रहे। इस साइड में है अपने बैल, ये देखो। इस चीज़ का मैंने बताया था एक दिन कि ये काम क्या करती है। ये देखो ये जो पीछे बांध बने हुए हैं छोटे छोटे, ये सब इसी से बनते हैं। तो एक जन इसको पकड़ के पीछे चलता है और एक जन इसके ऊपर खड़े होके बैलों को चलाते हैं। तो इससे इस पर वेट भी आ जाता है और पीछे इसमें मिट्टी इकट्ठा होके ये सब बांध बन जाता है। और चाचा जी और छोटा भाई ये वाले काम कर रहे थे, हम रोटावेटर कर रहे थे खेत में। एक एकड़ अपना हो गया है तो मेरे को बोला था भाई तो यहाँ पे कर, लेकिन ये रोटावेटर से अपन जैसे ही खेत में एंटर किया तो अगले पहियों से मैंने तो पूरे चने यहाँ वहाँ कर दिए। देखो उधर की साइड यहाँ पे, अभी यहाँ से समझ में नहीं आ रहा हूँ, लेकिन पूरी मिट्टी यहाँ वहाँ कर दी तो जो चने हैं वो भी यहाँ वहाँ हो गए होंगे, लेकिन उतना तो नुकसान हो गया। और देखो अभी भी चाचा जी चला ही रहे, देखो इस तरह पेड़ को पीछे कर रहे। अगर ये काम हाथों से करना होता तो पहले कुल्हाड़ी लाओ, इसको काटो, यहाँ से हटाओ, ये काटा नहीं, इसको सीधा हटा दिया। इसको हम गर्मियों के सीजन में काटेंगे और इस सीजन में इसको काटने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, तो ये सारे काम इसे हमें करने पड़ेंगे जुगाड़ जुगाड़ करके, नहीं तो ऐसे काम हमारे से होंगे नहीं। चाचा जी इस वाले खेत में भी वही काम कर रहे हैं, देखो जो काटे उनको ढकेल रहे हैं वो बाहर, क्योंकि वो अपने बांध पे नहीं है। सामने वाले जिसका खेत है उसका, उसके खेत में, और आती है अपने खेत में, तो जिसका खेत है उसके खेत में हम ढकेल रहे हैं वापिस। और इस वाले खेत में मैं रोटावेटर कर रहा था, 2 एकड़ खेत ही है जितना काला दिख रहा है उतना, उसमें से 1 एकड़ के ऊपर मैंने कर दिया है, 1 एकड़ से कम बाकी है। और मेरे साथ चाचा जी और छोटा भाई भी लगा था इस वाले खेत में, और 1 एकड़, तो उन्होंने 4 लोगों ने मिलके सिर्फ 1/2 एकड़ से थोड़ा ऊपर किया और हम 1 एकड़ से ऊपर, मतलब हम उनसे आगे हैं और उनसे पहले अपना काम होने वाला है। देखो कितना बड़ा पेड़ ढकेल रहा है चाचा जी। तो जिनका है हम उनको ही वापस दे रहे भाई, अपना अपना ले जाओ।
क्योंकि अपने खेत में आता है, अपने को कांटे लगते हैं, रात को हमें खेत में पानी देने आना पड़ता है, दिन को हो गया और बांध जब अपना खेत जब गीला होता है तो अपनों को बांध के ऊपर से चलना पड़ता है, तो कांटे चलने नहीं देते, इसलिए जिनका है उनको बोल रहे भी ले जाओ ले जाओ। पूरा ही तोड़ दिया, अभी भाई अपना ट्रैक्टर लेके जा रहा है और अभी अपन भी अपना यहाँ पर काम करते हैं। तो भाई अभी रोटावेटर के शाफ्ट का ये नट ही टूट गया, तो नया नट लेके आ चुके हैं, यहाँ पे लगता है वो टूट गया तो अभी लगा लेते और अपना अधूरा काम पूरा करते। तो अपना 2 एकड़ का रोटावेटर हो गया है, ट्रैक्टर लगा दिया है छाव में और हम जा रहे हैं अभी उस वाली फार्म की गाय चराने। चाचा जी, पिताजी और छोटा भाई अभी तक उनका काम कर रहे हैं, पिताजी अभी आए और चाचा जी और छोटा भाई उसी खेत में वो काम कर रहे हैं बांध बनाने का। उनका वो काम होने के बाद वो खेत में उस वाले खेत में पानी भी चलने वाला है आज दोपहर के बाद। और अपनी सभी गाय कर रही है आराम, ये देखो। और वसुधा की माँ भी फार्म पे ही है, अभी ये यहाँ से जाएगी नहीं बाहर, फार्म पे ही जो मिलना है यहाँ पे ही। और इन तीनों शैतानों का भी हरा चारा खाना हो गया है, इनको थोड़ी देर बाद पानी और मिलेगा सूखा चारा, तो इनको भी कोई दिक्कत नहीं। सामने है कपिला, इसको भी कोई दिक्कत नहीं, आराम कर रही है अच्छे से, खुले रहते तो उनके हिसाब से बैठते हैं। और बड़े तीन शैतान, इनका भी आराम चल रहा है। तो अपने को जाना है उस वाली फार्म की गाय चराने, पिताजी चाचा जी और छोटा भाई ये जो खेत के और फार्म के काम है वो कर लेंगे, बहुत सारा टाइम हो जाएगा। फिर धूप ज़्यादा होने के बाद गाय चरती नहीं है, छाँव में जाती है, तो इनको यहाँ पे आराम, हम चलते हैं वहाँ। तो सभी शैतानों को खोल दिया है चरने के लिए, बड़े आगे आ चुके हैं, एक तो देखो कितने आगे चली गए अंदर और बाकी सब पीछे ही आ रहे अभी धीरे धीरे करके। और आज ये इनको यही चराना है, तो अपने खेत में अभी जाएंगे लेकिन बाद में, या फिर नहीं भी जाएंगे तो आज तो काफ़ी टाइम यहीं पे निकल जाने वाला है। और फार्म भी दूर नहीं है, इन झाड़ियों के बीच अपना फार्म है, मतलब इनको जहाँ रखते झाड़ियों के बीच है और उधर वाला थोड़ा दूरी पे है, तो भी यहीं पे है, पानी वानी पिलाएंगे इनको, यहीं पे चराएंगे, जल्दी से इनका पेट भर जाएगा और अपने को भी शांति है क्योंकि यहाँ पे भाग दौड़ होगी नहीं ज़्यादा, आराम से खड़े रहो छाव में और इन पे सिर्फ नज़र रखो। तो भाई अभी मैं उस वाली फार्म की गाय बंद करके आ चुका हूँ, सामने पिताजी हल चला रहे हैं, तो वो हल भी चला रहे और दादर की बुआई भी कर रहे हैं बैलों से, और अकेले को करना पड़ रहा है क्योंकि टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा, तो सब लोग ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तभी टाइम पे काम हो पाएंगे। तो अकेले वो बैल भी वही चला रहे, बुआई भी वही कर रहे, और उनसे इस साइड की जो खेत है वो पूरी लग चुकी, मतलब लगा दी उन्होंने, और इस साइड की पूरी बाकी है, तो अभी आधे एकड़ से ऊपर उनका हो गया तो वो कर रहे। और चाचा जी जो कल चने वाला खेत था उसमें पानी भर रहे, जाके देखते कैसे। तो सामने है छोटा भाई, और छोटा भाई दे रहा है खेत में पानी, और 2 मोटर का पानी आ रहा है यहाँ पे 3 इंच के पाइप में, और इस साइड में पानी देना हो गया है चने के, और यहाँ से नीचे की साइड बाकी है, और यहाँ पे बांध भी अभी तक बांधे नहीं है, तो खेत को पहले अच्छे से पावड़ी से बांध लेते हैं बांध। यहाँ पे देखो यहाँ पे बांध अधूरे है, तो पूरे करने के बाद यहाँ पे पानी आएगा। सामने जा रहे चाचा जी और मैं जा रहे अभी खाना खाने, छोटा भाई पानी दे रहा है खेत में, पिताजी खेत में अपने दादर की बुआई कर रहे हैं, तो अभी हम खाना खा के आएंगे फिर इनकी छुट्टी करेंगे। कपिला को देखो
किसने अच्छी नींद आई है, एकदम सोई हुई वो। कपिला उठ जा, उठ। सो गई थी वो। इस साइड में है विक्रम, आरती और गुड़िया, इन तीनों का चारा हो गया है खत्म। ये देखो इतना सा पड़ा हुआ है, तो इनको सूखा देंगे। अभी इनको पानी पिला लेते हैं, उसके बाद सूखा दे देंगे। और इस साइड में है तीन बड़े, इनको भी पानी पिला के चारा देना पड़ेगा। अपनी गाय का गोबर सुबह से उठाया नहीं है, बहुत हो चुका है फार्म के अंदर, इसको भी हटाना है। लेकिन हमें जाना है उस वाली फार्म की गाय चराने, जो वो छोटे बच्चों के काम निपटा के निकल जाते हैं। छोटा भैया वाला गोबर उठा लेगा, चारा भी काटना बाकी है। लाइट 3 बजे जाने वाली है, तो चारा काट के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ 15-20 मिनट बाकी है, तो लाइट चली जाएगी, काटेंगे उतने टाइम में, और लाना फिर कुट्टी तो शाम के लिए सूखा ही डाल पाएगा। तो अभी फटाफट इनको पानी पिलाते हैं और अपने काम के लिए वापस चलते हैं। तो भाई सामने है कपिला, वसुधा और वसुधा की दोस्त। तो कपिला तो अभी आई है, लेकिन वसुधा और उसकी दोस्त काफ़ी टाइम से यहाँ पे चल रहे हैं। तो मैंने इनको फार्म के अंदर बंद नहीं किया था कि भाई ये खुले रहेंगे, थोड़ा चारा खा लेंगे तो हट्टे कट्टे हो जाएंगे जल्दी। लेकिन उस वाले फार्म पे पास में इतना चारा है, वो छोड़ के इस वाले फार्म पे जो अपनी गाय का चारा लगाया रहता है यहाँ पे खा रहे। ये देखो इन दोनों को वापस ले जाते हैं चराने के लिए। कपिला एक तो अपने साथ आएगी, या फिर ये तो चली गई, मतलब आएगी नहीं, ये तो वापस जा रही है। और सामने ये जो चारा है, ये भी पुराने खेत में इतना बचा हुआ है यहाँ पे है, जो भी अभी हो रहा है। लेकिन इस रास्ते से अपनी गाय जा रही थी, तो चारा बार बार खा खा के छोटा ही रखा, उन्हें बढ़ने ही नहीं दिया। और जो हमने इस साल नया लगाया था, वो भी बहुत बड़ा हो गया। अभी इसको भी एक साइड से पूरा काटेंगे, फिर से नए से अच्छा होगा। तो इतना सारा है, पहले इसको ख़त्म करना है, इसके बाद इसका नंबर पीछे से फिर से हो रही है, फिर अगली वाली काटने के बाद उसके पीछे फिर से होगी। तो इन दोनों को लेके चलते हैं वापस। देखो भाई बड़े देखो कितने आगे चले गए हैं, और आए अभी कुछ टाइम भी नहीं हुआ, अभी आ ही रहे, उतने में वो देखो कहाँ चले गए। और ये छोटे भी जा रहे हैं, कपिला आई हुई, ये देखो ये भागते हुए जा रही, कपिला भी, छोटे भी। देखो इतना सारा चारा होने के बावजूद भी इतने चलते, इतना परेशान हो जाता हूँ मैं इनको संभाल के, बहुत दिक्कतें आती है। बाकी कुछ पीछे छोटे, बड़ों से तो बहुत दिक्कत है मुझे, क्योंकि बहुत चलते हैं, क्यों चलने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना चारा है फिर भी चलते हैं, दिखता ही नहीं। और कपिला भी है, तो इस पर थोड़ी ज़्यादा नज़र रखते हैं। भेड़िए इसमें कई बेटे होंगे, क्योंकि भेड़ चलाने वाले अभी तक गए नहीं, और वो भेड़िए इसी बड़े बड़े चारे के अंदर छुपे रहते हैं, रात को निकलते हैं। तो हम भी बड़े चारे में चरा रहे, और कपिला भी यहीं पे है, और पता नहीं कब कहाँ चली जाए कपिला। अभी देखो सामने जा रही है, अगर गलती से कहीं गुम हो गई तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी, नज़र रखते हैं। आरती और गुड़िया विक्रम तीनों की खुराक खानी हो गई है, पानी पीना हो चुका है, और चारा काट के ले आए हैं चाचा जी और छोटा भाई। तो हम रहते तो बैलगाड़ी पे लेके आते, वो हाथों से उठा के ले आए हैं। पिताजी अभी तक खेत में बुआई का काम कर रहे हैं, उनका काम पूरा ही नहीं होगा, रात हो जाएगी तब तक भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत बच जाएगा, या फिर वो जैसे तैसे पूरा कराएंगे। तो अभी इन तीनों बड़े शैतानों को अंदर बांध दिया है, और इन तीनों को पानी पिलाने का काम भी हो गया है। कपिला हमारे साथ आई थी, लेकिन 2-4 मिनट रुकी और वापस फार्म पे आ गई, तो हमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई। नहीं तो अगर उधर रहती तो थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि उस पर ध्यान रखनी थी। और सभी जगह सूखा चारा डाल दिया है, शाम के लिए चारा काटने के लिए टाइम नहीं था, चारा काटते कुटती नहीं हो पाती, इसलिए अभी इनको सूखा सुबह में हरा मिल जाएगा। बच्चों के लिए भी सूखा है, पानी अंदर भर के रख दिया है, रात को जिसको जाइए वो पी पाएगा। और अपनी गाँव की भी खुराक खानी हो गई है, ट्रैक्टर अपना सुबह से वही खड़ा है, ट्रैक्टर से आज सिर्फ 2 एकड़ का रोटावेटर किया, उसके अलावा दूसरा कोई काम कर नहीं पाए, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे। तो ट्रैक्टर से खेत के काम बहुत सारे बाकी है, लेकिन करने के लिए कोई नहीं था, ड्राइवर ही नहीं कोई था। तो अभी निकालना है अपनी गायों का दूध, ये रही वसुधा की माँ, तो ये भी फार्म पे रहेगी, और तबीयत इसकी अब बिगड़ नहीं पाएगी। नहीं तो अगर उस वाले फार्म पे रहती, फिर यहाँ पे आती, बच्चा देती, उसके बाद फिर उसकी तबीयत बिगड़ जाती, लेकिन अब दिक्कत नहीं रहेगी, नहीं तो फिर बाद में हमें दिक्कतें आ जाती हैं। सभी दूध निकालने का काम करते हैं।
तो सभी शैतानों को कर दिया है सेप्टरों में बंद, सभी गायों को सूखा चारा डाल दिया है और सिर्फ वसुधा की माँ नहीं खाने के लिए गई, बाकी सभी गाय सूखा चारा खाने के लिए चली गई है। और इस जगह पे पूरा सूना हो गया है, देखो कोई नहीं है आसपास, पूरा सूना, बाकी सभी गाय चारा खाने के लिए चली गई है। अपना ट्रैक्टर यहीं पर रहेगा पूरी रात, अभी काम कुछ होगा नहीं, चारे को भी सुबह में ही पलटा दिया है तो ऊपर नीचे कर दिया, तो उसको भी अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पिताजी डॉग को खाना दे रहे, अभी निकलते हैं घर के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।